मेरठ के श्री शीशराम प्रजापति जी को भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा पद्म श्री पुरस्कार में चयनित होने पर मेरठ वासियों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए जानते हैं उनका जीवन परिचय उन्हीं की जुबानी, जिनके कठिन प्रयासों से, बहुत लगन और मेहनत के साथ जो आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित चयनित होने पर शीशराम प्रजापति मेरठ से। मैं बहुत खुश हूँ, राजेंद्र अग्रवाल जी हमारे यहाँ आए हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य है। मैं कदाचित के माध्यम से राजेंद्र अग्रवाल जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैंने इंडियन आर्मी के अंदर 40 वर्ष तक इंडियन आर्मी में सर्विस दिया। मैं मेरठ का वासी हूँ, मेरठ में रहता था, मेरठ कॉलेज में मेरे फादर थे और मेरे फादर ही ड्राइंग सिखाने के लिए आर के शर्मा जी थे मेरठ कॉलेज के ड्राइंग ऑफिस के, और इनके पास एक थे चमन आर्ट और स्कूल, उनसे मैंने ड्राइंग सीखी। और ये आरजी कॉलेज के सामने कलाकुंज ऑफ आर्ट स्कूल था, तो 40 साल मेरे जो निकले बहुत ही कीमती निकले। इंडियन आर्मी के अंदर कई आर्ट गैलरियाँ बनी हैं, जो 71 की वार में मैं प्रेजेंट था, 71 की लड़ाई में मैं पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के बाहर बॉर्डर पर था। कारण ये था कि इक्विपमेंट ऑफ इंडियन आर्मी, उनके इक्विपमेंट को रिपेयरिंग करना, उनको ठीक करना और पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर ले जाना। तो उस समय मैंने 40 साल नौकरी के दौरान कई आर्मर्ड यूनिट मुझे मिली, फाइटिंग यूनिट, 10 मैकेनाइज इन्फेंट्री, 20 मराठा रेजिमेंटी और 14 ब्रिगेड आर्मी ब्रिगेड। बहुत अच्छा रहा मेरा टर्न ओवर इंडियन आर्मी के अंदर। इंडियन आर्मी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ऐसे मौके पर एक चांस मिला, ये भी मुझे एक चांस है। मैं इंडियन आर्मी से सुपरवाइजर ग्रेड 1 एज ए इक्वल टू रैंक 2 सूबेदार मेजर। इसके बाद में रिटायरमेंट के बाद में नेशनल इंटरनेशनल आर्ट गैलरी में मैं अपनी प्रेजेंटेशन करता हूँ। कई आर्ट गैलरी दुबई, दिल्ली, बॉम्बे के अंदर मैं जाता हूँ, और मेरे अपने कई डायरेक्टर हैं जो कि मुझे इसमें सम्मिलित करते हैं। डायरेक्टर हैं कलाकार आर्ट फाउंडेशन की। मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने कुछ एल्बम बनाने की, कुछ जो पेंटिंग बनाई है वो मेरे सामने यहाँ रखी हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो मैं आपको मैं आपका ये बहुत अभिनंदन करता हूँ, और वास्तव में आपने जो मेरठ का मान बढ़ाया है, देश का मान बढ़ाया है। ये गांधी जी की सबसे पहली बुक है, ये मैंने बुक तैयार करी है। मैं राजेंद्र अग्रवाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा मेरी बुक तैयार हो, जो कि मैं नेशन को दिखा सकूं। ये मेरी पेंटिंग बनी हुई है, मैं दिखाता हूँ। ये महात्मा गांधी की स्वच्छ भारत अभियान, जो कि महात्मा गांधी ने 1932 के अंदर बनाया था, 2014 के अंदर अपने प्रधानमंत्री जी ने इसको चलाया था। इसके बाद में महात्मा गांधी कहाँ पैदा हुए और उनका बचपन है कैसे लेकर था, उनकी माता जी का क्या नाम था, ठीक है जी। ये उसका है डेथ ऑफ द महात्मा गांधी। नाथुराम गौड़ ने 1947 के अंदर इनको शूट कर दिया था, जिससे कि आप जानते ही हैं, फिर भी आज देश चल रहा है। ये महात्मा गांधी का वो पेंटिंग है जो कोरोना वायरस से हमने कैसे बचाना, अगर गांधी जी नहीं है तो हम देश को कैसे बचा सकते हैं। ये बुर्ज खलीफा है, दुबई का सबसे अच्छा पेंटिंग है दुबई का, जो कि मैंने बनाया था और मैं दुबई होकर आया हूँ, इसके बिल्डिंग के अंदर गया हूँ, और मैं आपको दिखाऊं कि ये दुबई का मैंने पोर्ट्रेट बना के रखा हुआ स्टैचू है, जो कि मेरा कई सेठ परिवार ने एक एक पेंटिंग कीमत मेरी 2.5 लाख 5-5 लाख रुपये लगाई, लेकिन वो थोड़े पीछे हट गए पैसे के कारण। ओके, ये आप पेंटिंग देख रहे हैं इंडिया गेट का, इसमें हमारे जो आर्मी कमांडर राष्ट्रपति जी, आर्मी कमांडर, एयरफोर्स कमांडर, नेवी कमांडर, और ये मैं पेंटिंग बना रहा हूँ, मैंने यही घर में बैठ के बनाई है। बहुत टेक्नोलॉजी पेंटिंग है ये बनाने। ये डॉक्टर अम्बेडकर है, जो कि राजेंद्र अग्रवाल जी ने फूल माला चढ़ा के मेरा सम्मान किया। ये है रत्नाकर कुमार, जो कि महाराष्ट्र के सबसे बड़े डॉक्टर अंबेडकर के साथ मिल गए, उन्होंने संविधान को निर्माण कराने में सबसे पहले काम किया था। ये है अपने रामदास अठावले जी, मैं उनके पास भी गया था और काम किया, इन्होंने मुझे बहुत काम दिया राम से। ये है आपका हेड ऑफ द होल कुतुब मीनार 1984 के अंदर इसमें केस हो गया था, उसकी टेक्निकल पेंटिंग कैसे उसमें काम किया, कैसे लोग उसमें सब बचे। ये अभी मैंने जो पेंटिंग नई मेरी पेंटिंग बनी है उसका है, ये कल्पना चावला का, ठीक है जी। कल्पना चावला 2003 के अंदर एक एक्सीडेंट हो गया था चंद्रमा के चक्कर लगाते हुए, ठीक है। ये मैं पाकिस्तान की लड़ाई में था, ये उस समय का है, ये कि मैं सिलेंडर किया था, ये पूरे
पाकिस्तान को सरेंडर किया हुआ है, ये हमारे पास इक्विपमेंट था, कौन कौन से कवर एरिया और कौन से इक्विपमेंट से हमने स्टेप डाउन किया। ये इंदिरा गांधी को 1984 के अंदर उनके घर निवास स्थान पे कुछ गार्ड ने, जो गार्ड थी उनके नाम है, उनके नाम इसमें सतवन सिंह था, बेअंत सिंह था, जो कि इंदिरा गांधी 9:30 पर अपने घर से निकली थी, ये निकली थी कि मेरे को कहीं जाना, उसी समय उसमें एक हादसा हो गया। ये पेंटिंग है, वो है वार की, जो कि मैं लड़ाई में था और मैंने अपने हाथ से स्केच की, तो उस समय कोई भी मोमेंट वगैरह नहीं था, मोमेंट का मतलब कोई फोटोग्राफर नहीं, कोई कलर कम्बिनेशन नहीं है। ये सारी पेंटिंग उस समय वार फेयर की है। ये संसद भवन पे जो हमला हुआ था ये उसका है, संसद भवन पे ये 99 जो वारफेयर हुआ था उसमें भी मैं था। आप ऐसा नहीं सोचना कि मैं ऐसे बैठा हूँ आर्टिस्ट बन गया, मैं वो आर्टिस्ट अलग है। महात्मा गांधी के स्टैचू को, महात्मा गांधी के ओरिजिनलिटी को हम दिखाएंगे तो वो महात्मा गांधी जीवित रहेंगे हजारों साल तक आने वाले टाइम में। ओके सर। अच्छा, ये एमएम हुसैन था, कोई एक 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 गलती हो गई थी उनसे, फिर भी भारत के नागरिक रहे, विदेश के नामिया। ये उनकी पेंटिंग है जो कि उनके हाथ से भारत के लिए बनाई थी, भारत की छाती के लिए बनाई थी, ये पेंटिंग उनकी है। ये एमएम हुसैन का ये फ्लाइंग, उनके जीवन में भी एक गरीब का बच्चा था, जीवन में मैं कैसे फ्लाइंग करूँ आसमान में, ये था। ठीक है सर, ये बहुत ये बॉम्बे का है, जबकि बॉम्बे का अटैक हुआ था, तो बॉम्बे में अटैक 2008 के अंदर हुआ था, तो कितना आदमी की डेथ हो गया, और उस बिल्डिंग का मैंने बनाया, कौन कौन कमांडर थे, आर्मी कमांडर, और जो जो उसको कहाँ कहाँ आग लगी थी, कितना कवर एरिया था, वो मैंने कहाँ से बचाव किया। ओके, रेलवे स्टेशन के ऊपर भी पूरा स्टैचू मैंने बनाया। राजेंद्र से रिक्वेस्ट करूँगा नेक्स्ट पेंटिंग देखने के लिए साहब आए। ओके, ये देखिए ये पेंटिंग देखिए। ठीक है सर, ये मेरे को सम्मान वगैरह जो मिलता रहा, ये सम्मान जैन सोसाइटी ने मेरे लिए दिया। ओके सर, ठीक है, पर्चे बनाऊंगा कोई आपका पर्चे ये मेरे को डॉक्टर अम्बेडकर जो मूर्ति लगी यहाँ पर मेरठ के अंदर, डॉक्टर अम्बेडकर की हम लोगों ने लगाई, हम लोगों ने लगाई थी उस समय, हाँ 93 के अंदर वो मूर्ति लगी। बाकी ये पेंटिंग में जो प्रेजेंटेशन हुआ है मेरा, ये पेंटिंग उनकी है, मेरे को इसमें साइंस सेंटर से सम्मान मिला है, ये मैंने अलग से लगाया हुआ जो सम्मान दिया है जी का। ये मेरे मोदी नगर का है, जो कि मोदी नगर में भी मेरे का सम्मान हुआ। ये अठावले जी का है, जो कि आगरे के अंदर सम्मान हुआ, बहुत पेंटिंग है। ये मेरा सम्मान, ये कॉलेज है, कॉलेज और मैनेजमेंट दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज है वहाँ। ये मेरा दुबई का है, जो मैं दुबई गया था सर, उसका है, जो कि मेरे को प्रेजेंटेशन हुआ था। ये मेरा दुबई की दूसरी पेंटिंग है, जब मैं 2002 में 2020 में था, 2021 में मेरी दुबई में पेंटिंग लगी थी। ठीक है सर, ये राजेंद्र अग्रवाल जी इसमें होंगे, हाँ ये राजेंद्र अग्रवाल जी को देखिए, आज ये इतने बड़े सपने, इतना बड़ा सपना राजेंद्र जी का, ये देखिए हमने राजेंद्र जी का ही लगाया हुआ है। ठीक है, थैंक यू बहुत बहुत मिलने का, ये हमें पता नहीं था आएंगे, हमने बिल्कुल ये फोटो साहब ने इसके बाद में मेरा सारू फैक्ट्री है, उसमें मालिक ने मेरा सम्मान दिया, और एक नई टेक्नोलॉजी सारू फैक्ट्री, ये लोकेश कुमार प्रजापति मंत्री जी ने, ठीक है सर, और ये सारी पेंडिंग अभी जो भी है ये मैंने अपने हाथ से बनाई थी सर, मुझे बनाई बनाते हुए सिस्टम, और ये मेरा ये है जो यहाँ पर हुआ है कचहरी के अंदर, ये मेरा गांधीनगर, मैंने गांधीनगर के अंदर पेंटिंग, गुजरात के अंदर पेंटिंग लगाई थी, बहुत बड़ा सम्मान हुआ, लोग हजारों लोग देखने के लिए आए, एक आर्ट के लिए, ये भी वहीं का प्रोग्राम है। और ये जो है सर, ये मोदी नगर का, मोदी नगर बस सर, एक तो ये सर, मैं थोड़ा सा आर्मी का दिखा देता हूँ।